तो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक अंडर बजट पीसी असेंबल करने के बारे में डिटेल दूंगा। उसके कंपोनेंट जिसमें कि आप अच्छे तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पीसी होता है वो होने वाला वो अंडर 10,000 होगा। तो वीडियो में अब तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको अमेज़न पे कर लेता हूँ। कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है उसका मदरबोर्ड। अगर आपका बजट कम है, 15,000 से 10,000 है, तो उसमें आप एक मदरबोर्ड आ रहा है जिसका नाम है H61 मदरबोर्ड। फ्रेंड्स, ये मदरबोर्ड हमें तो 1,800 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं इसका पूरा हिसाब भी आपको लगाकर बता देता हूँ। ये मदरबोर्ड GDX6050 तक को सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल बजट गेमिंग के लिए। तो कितनी मैं इसका प्राइस देख लेता हूँ, 1864। हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें मदरबोर्ड तो हमने ले लिया, लेकिन मदरबोर्ड के साथ साथ हमें एक प्रोसेसर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे i5 4th gen प्रोसेसर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये i5 4th generation है, वो हमको 2,700 रुपये का पड़ रहा है। तो मैं सिंपली इसको नोट डाउन कर देता हूँ, मैं सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमें पता है 2,700। उसकी के साथ हमें एक अच्छा फास्ट पीसी बनाना है, तो ये हमें एक बढ़िया से SSD की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेते हैं 256 GB SSD फॉर PC। ये देखिए, हमको ये SSD है जो 1,100 रुपये तकरीबन पड़ रही है। मैं आपको कौन सिस्टम की प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। तो आप सिंपली इसका प्राइस नोट कर लीजिए, +1060। ये हमारा 5,000 का बजट हो चुका है। अभी हमें एक 8GB DDR3 रैम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा H61 मदरबोर्ड है वो DDR3 रैम को सपोर्ट करता है। तो मैं सिंपली 8GB DDR3 133 MHz डेस्कटॉप रैम इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि H61 यही सपोर्ट करता है। तो इसका प्राइस हमें ये देखिए सिर्फ 800 900। मैं अंदाजे से सिंपली 1,000 लिख लेता हूँ, 1,000। उसके साथ हमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई और एक कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, पावर सप्लाई ये तो काफ़ी महंगी। ये देखिए, ये एक LT Sport की है जो 1,074 की पड़ रही है। तो मैं सिंपली इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर आपका बजट कम है तो उसके साथ हमें एक केस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CPU Sport का ये कैबिनेट है। मैं सिंपली इसको परचेज करने के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं सिंपली इसको नोट डाउन कर देता हूँ। तो इसका प्राइस 1,800 है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी बजट में आप सभी को बता दिया कि आप किस तरह से एक अंडर 10,000 रुपीज में PC बिल्ड कर सकते हैं, वो भी i5 4th generation और 8GB DDR3 RAM के साथ। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आप अमेज़ॉन से बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ऐसी भी और मज़ेदार वीडियो चाहिए, तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। तब तक के लिए अलविदा।